morning students, I am Sunita Maloda, 4th class nursery. I will teach you subject Hindi. प्यारे बच्चों, आज आपने झौ पढ़ना है. इससे पहले आप चौ, छौ, जौ और जौ तक पढ़ चुके हैं. आज आपने पढ़ना है झौ. तो यहाँ देखिए, आपने इस तरह से लाइन खींचनी है और आपने झौ बनाना है. झौ आपने ई की तरह बनाना है. इससे पहले आप ई बना चुके हैं. अब देखिए बच्चों, पहले आपने छोटी सी एक डंडी खींचनी है अपने पेंसिल से, फिर अपने हाथ को यूं मूव करना है आराम से, फिर नीचे की साइड, फिर ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे करना है. तो ये क्या है, ई की तरह बनता है ना, है कि नहीं है. फिर आपने इसको यहाँ पे जैसे आप अ में डंडी लगाते हैं, उसी तरह से आपने इसमें भी डंडी लगानी है. तो ये क्या बना, झ. क्या है ये, झ. फिर आपने यहाँ पे लिखना है झ, उसी तरह से जैसे आपने हल्का सा अपना पेंसिल को इस तरह से घुमाना है और आपने लिखना है झ. बोलो बच्चों, झ. और झ, क्या है ये, झ. फिर जैसे आपने यहाँ पर झ लिखा है लाइन छोड़ के, फिर आप यहाँ पे भी लिखेंगे झ. इसी तरह से आपने यहाँ पे भी झ लिखा है, फिर आपने इसके नीचे झ लिखना है, फिर आपने लाइन खींचनी है, हल्की सी लाइन इस तरह से देनी है, फिर अपने पेन हाथ को और पेंसिल को अपनी तरफ घुमाना है, फिर नीचे की तरफ घुमाना है, और इस तरह से आपने इसको पहले ई बनाना है, और यहाँ से आपने डंडी खींचनी है, और फिर यहाँ से एक डंडी और खींच. तो क्या बना ये, झ. क्या है ये, झ. अब यहाँ पे भी आपने झ लिखना है, वैसे वैसे आप लिखेंगे और मुंह से उच्चारण करते रहेंगे. क्या है ये, झ. क्या है, झ. झ से क्या होता है, कौन बोलेगा, झ से झंडा. क्या होता है झ से, झंडा. और झ से और क्या होता है, आप चित्र देख रहे होंगे जो बोर्ड में बना रखे हैं हमने चित्र, वो किस चीज का है, झ से झंडा. और ये क्या है, झ से झरना. तो आप जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे बोलते रहेंगे, झ से झंडा, झ से, क्या है ये, झ से झंडा. अब लिखो झ के नीचे, आप झ लिखेंगे, झ से झंडा. और ये देख रहे होंगे किस चीज का चित्र है, झरना, पानी बह रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, झरना बोलते हैं. तो झ से झरना भी होता है और झ से झंडा भी होता है. ये है आपका झंडा है, देख रहे होंगे. और इसको हम क्या, जब हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो झंडा रोहण होता है ना, है कि नहीं है. तो ये है हमारा झंडा है, और झ से झंडा भी होता है. और ये देखो यहाँ पे सुंदर सा ये है, पानी बह रहा है, इसको क्या कहते हैं, झरना बोलते हैं. आप लोग देखते हैं ना, जहाँ पे भी पानी होता है, झरना बहता है, वहाँ पे फोटो भी खींचते हैं, खींचते हैं कि नहीं खींचते. तो क्या है, झ से झंडा, झ से झरना. प्यारे बच्चों, अब आप इसको मेरे साथ और अली इसे याद करेंगे. झ, 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 झ. इसको आप फिर से एक बार और पढ़ेंगे, कैसे, झ से झंडा, 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 झ से झंडा,
जैसे झरना। ठीक है, अब आप इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर लेख में लिखें।